क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है। और ये भूख क्यों नहीं है, इसकी वजह जान सकती हूँ? मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस तरह का बिहेव करके क्या जताना चाह रहे हैं आप? मैं किसी को कुछ भी जताना नहीं चाह रहा हूँ। प्लीज मुझे किसी में शुमार तो मत करें। जानता हूँ हम किसी नहीं हूँ। आप तो बहुत स्पेशल हैं। आपको तो लाइसेंस मिला है मुझे इंसल्ट करने का, जलील करने का सबके सामने। मैंने आपकी कोई इंसल्ट नहीं की। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि मम्मा से माफी मांगकर आपकी इंसल्ट हो गई है, तो मैंने भी तो आंटी से माफी मांगी है ना। उष्णा प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगी, प्लीज जाओ। बात नहीं करना चाहते, खाना नहीं खाना चाहते, इस तरह का बिहेव करके आप क्या जताना चाहते हैं कि जिसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? उष्णा मैं कुछ नहीं जताना चाह रहा, मैं अपने अल्फाजों की वैल्यू अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मेरे लफ्जों की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। देखिए शरूस, मम्मा आंटी की केयर टेकर नहीं है, फिर भी वो आंटी का ख्याल रखती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आंटी से मोहब्बत करती हैं, उनकी इज्जत करती हैं। तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उनकी मोहब्बत का ये सिला दें? मैं जानती हूँ मम्मा से गलती हुई है, लेकिन अनजाने में। इसका मतलब ये तो नहीं कि सब उन्हें बातें सुनाना शुरू कर दें। मम्मा किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सब में मम्मा की गलती है? आंटी कहती है तुम ना समझो। क्या तुम वाकई इतनी ना समझो कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम्हारे इस रवैये ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? शायद तुम बीवी हो मेरी, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम सबके सामने मुझे इस तरह से जलील करोगी। क्या तुम्हें जरा सा एहसास नहीं कि तुमने किया क्या है? मैं आपको कभी नीचा दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस तरह से मामा पर इल्जाम लगता देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आपने जो सबके सामने माफी मांगी, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। I'm sorry. क्या फायदा है उसका माफी मांगने का? क्या फायदा, फिर तुमने सब कुछ वही करना। पक्का दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। फिर जलील कर दोगी? जाओ, माफ किया। तो इस बात पर मेरे हाथ की कॉफी जा ले।